मैथ्स बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन आया ये तो मुझे आता है, अच्छा टीचर ने ऐसे करा, आ हा 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 हा, क्वेश्चन आया अच्छा ऐसा, अबे चपड़ गंजू दो हाथ दिए हैं भगवान ने चलाना है, मैथ्स बिना पेन चलाए नहीं बनेगी, ठीक है तो प्लीज प्लीज पेन चलाना है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, नोट्स कैसे बनाना है, आपके पास दो कॉपी होनी चाहिए, आपके पास दो कॉपी होनी चाहिए, क्या दो कॉपी, अब ऐसा क्यों, देखो एक किताब में ये आपकी फेयर कॉपी होगी, फेयर मतलब अच्छी वाली कॉपी जिसमें आपको अच्छी थोड़ी सी राइटिंग लिखनी है, और दूसरा मतलब सर हमारी तो राइटिंग अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, और दूसरी मतलब एक आपकी रफ कॉपी होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आपको मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ ठीक है, जिसके पास आरडी है बहुत अच्छी बात है, ठीक है जब आपको मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ प्लीज आप उसको यहाँ पे नोट करें, क्लास का कॉन्टेंट आप फेयर कॉपी में नोट करें, मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप समझ समझ के नोट करते जाओ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है यार नोट करते समय समझ नहीं पा रहा हूं तो प्लीज पहले समझने पे ध्यान देना, और यहां पर आप क्वेश्चंस भी नोट करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आता है मैथ्स में जाहिर सी बात है पेन चलाना पड़ेगा, है ना, अगर वो बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जैसी क्वेश्चन आता है आप प्लीज क्वेश्चन को नोट मत करिए, हम यहां पर कोई वो नहीं करने आ रहे कि जो मैं बता रहा हूं लिखते जाए, नहीं अबे फन करना है पढ़ाई के साथ, और फन कैसे आएगा जब तू खुद ट्राई करेगा, तो ये जो रफ कॉपी है ना जैसी क्वेश्चन आता है रफ कॉपी में तू उसका आंसर निकाल, रफली निकाल जैसे करना है वैसे कर, पर रफ कॉपी में तुझे उसका क्वेश्चन का आंसर करना है, समझ आ गया, अब मान उस क्वेश्चन का आंसर तूने निकाला, तेरा आंसर मेरे से मैच कर गया या आपका आंसर मेरे से मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अब हो सकता है किसी और बच्चे को मैं मीनवाइल वही क्वेश्चन समझा रहा हूं पर तुझे तो बन चुका है, तो तू उस समय जिस समय मैं किसी और बच्चे को समझा रहा हूं तुझे समझ में आ गया उस क्वेश्चन को तू इधर नोट कर ले, और मैं एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है जो तुझे लगता है यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है उसको यहाँ पर नोट करने की जरूरत नहीं है। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि कई बार ऐसा होगा, कई बार लगभग डेली होगा कि आप क्वेश्चन नोट कर रहे थे मैं अगली साइड में चला गया, जो कि होगा तो कोई बात नहीं, आप जगह छोड़ दो, आप यहां पर जगह छोड़ दो क्वेश्चन नोट करने की और या फिर सॉल्यूशन नोट करने की, उसको आप बाद में क्लास के बाद नोट कर लेना, क्या ये बात समझ आई, तो कंटेंट नोट करना है, अच्छे सवाल नोट करने हैं, पर सवाल जैसे ही आता है उसको रफ कॉपी में करना है, समय मिले तो नोट करना है, साथ साथ नहीं समय मिले तो क्लास के बाद नोट करना है, सर क्लास के बाद कैसे नोट करूंगा, क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर है तो लिखो CH, क्लियर है, अब उसके बाद लास्ट स्लाइड, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, रटना नहीं है, क्लास 8 तक अगर किसी ने भी मैथ्स रटा है तो अब आपको बस अपने आप को ये बोलना है कि रटना नहीं है, जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखो सर नहीं रटूंगा या फिर भैया जी नहीं रटूंगा या बबुआ जी नहीं रटूंगा, जल्दी से लिखो भैया रटना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आपने रटना होगा, रटोगे क्लास 9 का मैथ्स नहीं बनेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो फिर क्या करें, अबे कॉन्सेप्ट समझ सर ये कौन समझाएगा, अबे मैं हूं तो, मैथ्स बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन आया ये तो मुझे आता है, अच्छा टीचर ने ऐसे करा, आ हा हा हा, क्वेश्चन आया अच्छा ऐसा, अबे चपड़ गंजू दो हाथ दिए हैं भगवान ने चलाना है, मैथ्स बिना पेन चलाए नहीं बनेगी, ठीक है तो प्लीज प्लीज पेन चलाना है, कोई बात नहीं यार टफ लगेगा तो गिव अप नहीं करना ना मेरी जान, बनेगा ना तेरे को, ठीक है, बैकलॉग नहीं बनने देना है, बैकलॉग का मतलब क्या होता है गुरुजी, मान लो मैं थर्ड चैप्टर में, मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा हूं और आपका सेकंड चैप्टर पूरा छूटा हुआ है, नहीं, हर दिन का काम हर दिन करना है, लेक्चर देखा होमवर्क करा खत्म बात, इतना काम नहीं कर सकता तू, सिंपल, ठीक है, और मीनवाइल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि बच्चे होते हैं इंपेशेंट होते हैं, जो कि होना भी चाहिए कि सर ये बता दो सर अबे मैं सब बता दूंगा, तुम छोड़ दो बस मुझ पर सब कुछ, अपने अपने समय पे सब बताऊंगा, ठीक है।